ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अली राम में, आप देख रहे हैं एयरबर्ड्स, मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज भाईजान मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो आज भाईजान जब मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो दो दोस्त लोधरा से आए हैं, ठीक है। और उनको चाहिए था, एक तीतर का बच्चा चाहिए था और एक कॉकटेल चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि भाईजान हमें ये बर्ड चाहिए। तो मैंने पूछा भाई आप कहाँ से आए हो, कहते हैं हम लोधरा से आए हैं। तो जब मैंने पूछा तो वो ना टिकटॉक पे उन्होंने कहीं मेरा नंबर निकाला है, ठीक है। और फिर वो मुझसे स्पेशल मिलने के लिए आए थे यहाँ पे कि हम जाके ना उनसे मिल के आए, क्योंकि दूर मंगवानी होती है चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा लोग ना डर रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो आप बेफिक्र आ करें, आप पेमेंट मुझे कर देंगे तो आपकी पेमेंट मेरे पास सेफ रहेगी, उसके बाद मैं बर्ड्स वगैरह भिजवाता हूँ, ठीक है। तो ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दें। तो अब भाईजान भाई के लिए कॉकटेल यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है। मैं अंदर जाके पकड़ के लेके आता हूँ। तो भाईजान हमने पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं ये जख्म कर दिया है उसने, कॉकटेल ने काट लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भाइयों को देते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। वो तो देख के आए हो आप। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? हमजा। क्या लिया है आपने मुझसे? और क्या लिया है? पहला एक कॉकटेल लिया है, ठीक है। तो भाईजान सही है, मुतमईन हो? और बताओ फिट फाट। ये भाई ना टिकटॉक पे मेरी वीडियोस देख के मेरे पास आए हैं, लोकेशन ढूंढ के, ठीक है। पहले इन्होंने इंस्टा पे गए, वहाँ से नंबर शंबर लिया मेरा, या जहाँ से भी नंबर लिया, और फिर यहाँ पे आए मेरे पास। और आज इन्होंने एक तीतर का बच्चा और एक कॉकटेल मेल लिया है मुझसे। और बाकी अब भी लोग आज का स्टार्ट करते हैं। तो भाई जान हमने कॉकटेल शॉकटेल अपने सेल करके 4500 रुपया सुबह सुबह कमा लिया है, ठीक है, आज मैंने। तो अभी हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। मैं देखूं तो वाइट मैग पाई के बच्चे माशाल्लाह आईज ओपन हो गई हैं। ये मारेगा तो नहीं? एक सेकंड साइड होना बच्चे प्लीज़। ये माशाल्लाह जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, छोटे छोटे बेबीज हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। ये मैग पाई के बच्चे हैं, हमने इसके नीचे रख के फोस्टर करवाए हैं ताकि वो दोबारा अंडे दे ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम ले लें इनसे। अब बारी है जी इनको पानी शानी डालने की, तो मैं पानी शानी की बाल्टी भर लूँ। ये पानी शानी खाली हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। हाँ, पानी की बाल्टी भर लूँ जल्दी। पानी की बाल्टी खुल जा, शिम शिम खुल जा, खुल जा, खुल जा। चलो 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 चलो। यहाँ पर ये हमारी टूटी छूटी लगी हुई है, ये हमने चला दी। बढ़ते बढ़ते तकरीबन कोई 2-3 मिनट लग जाते हैं, तब तक हम अपने जू का विजिट कर लें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ दाना वाना इनके पास पूरा है। ये इनका पानी ग्रीन हुआ पड़ा है, ठीक है। ये डेली हो जाता है, मैं चेंज कर दूंगा। अब इसको गिरा देते हैं। ये गिरा दिया भाई, और ये भी गिरा दिया। अब फ्रेश पानी इनमें डाल देंगे। उसके अलावा बाकी फिंचेस के पास पानी है लेकिन गर्म हो गया होगा, इनके पास भी पानी ख़त्म होने वाला है, इनका भी ख़त्म है। तो अभी हम जल्दी जल्दी से पानी ला के कहीं यहाँ पे बैठा घूम आवाज़ निकली। वो एक्सीडेंट हो गया, तार के बीच टकरा गया। ओए ओए बच्चों, यहाँ पर हमारे दो बेबीज थे ये वाले, इनको मेडिसिन वगैरह लगाई हुई थी, तो माशाल्लाह अब चल फिर रहे हैं। उम्मीद है ये बच जाएंगे, आंखें नहीं खोल रहे अभी तक, अपनी आंखों के ऊपर ये बने हुए हैं ना इनके। तो चलो अल्लाह करे यार जल्दी जल्दी ठीक। तुम इधर क्या करियो? ये मेरी कबूतर है या मुर्गी? ओए भाई चल बाहर चल। इतने यार इस साइड में ना इनको आने नहीं देता, क्योंकि इस साइड भी गंद डाल देते हैं, बिट्ठे करते हैं, बहुत गंदी पूरा गंदा कर देते हैं ये। अब यहाँ पे देखो, मैंने उस दिन सफाई करवाई थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया था, और अभी देखें यहाँ पे कितना गंद डाल दिया इन्होंने। बाल्टी लगता हमारी भर गई होगी, हम लेट हो गए हैं। ओए 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 बाल्टी अभी बच गई, बच गई, बच गई, भर जाती है अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते ना, तो यहाँ से गिरने लग जाता, पानी जाया हो जाता हमारा। तो अब भाई जान हम पानी शानी डाल लें, जैसा देख रहे हैं पानी हमने रख लिया, ठीक है। तो मेरे पास दूसरा बंदा नहीं होता जो साथ साथ व्लॉग बनाए, साथ साथ बातें भी करता रहूँगा, पानी भी डालता रहूँ। खुद ही व्लॉग बनाना आता है, खुद ही पानी डालना आता है, तो पहले मैं पानी डालूँ, उसके बाद आकर गपशप करते हैं। हमारी जावा फिंच जैसे मैंने पानी डाला है नहाने आ गई हैं, और कितनी खुश खुश लग रही हैं माशाल्लाह, और खूबसूरत भी बहुत लग रही हैं माशाल्लाह। यार आज मैंने और पापा ने जाना था मुल्तान में, वहाँ पे संडे मार्केट लगती है बर्ड्स की, ठीक है। तो वहाँ से कुछ बर्ड्स लेके आने थे, वो आपके लिए सरप्राइज़ था, लेकिन इस दफ़ा हम जा नहीं पाए, नेक्स्ट संडे चलेंगे। क्योंकि पापा मेरे की रात को ड्यूटी थी और वो सुबह आए हैं और रात ही सो गए थे वो, तो वो इस वजह से इस संडे हम जा नहीं पाए, लेकिन नेक्स्ट संडे हम जाएंगे इंशाल्लाह, और नए नए बहुत सारे बर्ड्स लेके आऊँगा। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके एक घंटी पे क्लिक कर ले फौरन, जल्दी जल्दी। तेल से दो बेबीज है ना, वो फुल हो गए हैं, उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन पर आ गए हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाता हूँ। 3-4 दिन बाद वो उठा के हम ले जाएंगे। मैं अंदर आया हूँ, होए होए रश आया हूँ, फुल रोली शोली डाल दी और ऐसे परेशान हो गए जैसे ना मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एग दिया है, एक ही दिया है इसने, ठीक है, और फीमेल बैठी है। और यहाँ पर जी दो बेबी है माशाल्लाह, मैं बाहर ला के दिखाता हूँ आपको कितने खूबसूरत हैं ये। एक सेकेंड, दोनों एक साथ पकड़ते हैं और यहाँ पे रख के आपको मैं दिखाता हूँ।
ये माशाल्लाह जी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रेड आइज में है, ये वाइट में है और इनके ऊपर ग्रीन पर आ गए। इनको हम ना बाहर ले जाएंगे और फ्री फ्लाइंग करवाऊंगा इन दोनों पैरट की। इनके नाम भी जल्दी से सजेस्ट करो, कोई अच्छे अच्छे वाले नाम सजेस्ट करो जो हम इनके नाम रख दें। और माशाल्लाह खूबसूरत देखिए, कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं ये। ऊपर आज मौसम देखो कितने बादल आए हुए हैं और लगता है आज बहुत तेज़ बारिश आएगी। तो मैं अपने परिंदों का सेटअप वगैरह कराया हूँ। देखते देखते ना मौसम इतना गजब का हो गया ना, फुल बादल ही बादल ऊपर और ठंडी हवा, जैसे ना फुल तेज़ बारिश आने वाली है। पता है आप सबको यहाँ पे ना एक और भी सीन था, ये जो मेरी ये वाली जगह है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये दरवाज़ा ओपन हो जाए, हो गया। तो भाई यहाँ पे ना पानी आके रुक जाता था, ये जगह नीचे थी ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से ना खाली एक बनवा दिया था ताकि यहाँ पे पानी रुके ना, स्टे ना करे, पानी यहाँ पे रुक जाता था। ये मिस्त्री जो होते हैं ना, इनके ऊपर रह के काम करवाना चाहिए जब भी आप काम करवाओ, बाद में पता चलता है क्या क्या चीज़ें ख़राब कर देते हैं ये, हमें तो पता नहीं होता, ये तो बाद में जाके पता चलता है कि भाई ये सीन भी है। कल अगर ये ना होती ना ऊपर लगवाई हुई मैंने, तो कल सारे मेरे रिंग नहीं गायब हो जाने थे, एक भी नहीं मिलना था मुझे। शुक्र है अल्लाह का ये लगी हुई थी और तो बच गए। मौसम एंजॉय करने वाला है आज का, कहाँ कहाँ पे ऐसा मौसम है ये भी बताओ मुझे। रोमांस कर रहा है मौसम, अच्छा ना रोमांस कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। आपको पता है ये जो गोल्डन का मेल है ना, ये डांस भी करता होता है और सिंगिंग भी करता है। फीमेल नहीं करती, डांस भी करता है सिंगिंग भी करता है। अभी मेरे पास इसकी वीडियो नहीं मैं बना पाया, लेकिन मैं जब सुबह सुबह आया ना, फुल उछल उछल के अच्छे वाला डांस कर रहा होता है और साथ में ना सिंगिंग भी कर रहा था, गुनगुना रहा था। बड़ी बड़ी ही प्यारी सी वॉइस होती है इनकी और ऊपर से गुनगुना रहे होते हैं, ऊपर से डांस ऐसे ऐसे पुतक पुतक के डांस करता है और बड़ा मज़ेदार होता है यार। ये शुगर मैं आपको किस दिन लाजमी दिखाऊंगा ठीक है। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दे। जिसने कल वाला व्लॉग देखा था उसे याद होगा कि यहाँ पर एक फिंच थी, वो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। उसकी आईज में थोड़ा सा मसला था, हमने 3-4 दिन जेंटामाइसिन के ड्रॉप्स डाले हैं उसकी आईज में और माशाल्लाह वो फिट फाट हो गई है। इनमें से मैं अगर आपको दिखाऊं वो कौन सी है, तो वो जो लास्ट पे बैठी है ना ग्रे हेड, वो वाली है ठीक है। अब माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है और ठीक हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। ऑन भाई आना स्टार्ट हो गया। दरख्त देखिए कैसे जोर जोर से यहाँ से हिल रहा है, और हुए बहुत ज़ोर से हिल रहा है यार। ये बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आने वाला है, ऊपर देखे तो सही है एक दफ़ा यहाँ से अंदर, शायद कैमरे के अंदर से नज़र ना आ रहा, लेकिन ये बहुत मतलब फुल ब्लैक वाले बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है। ये अंधेरी वाले बादल हैं लेकिन बारिश आएगी, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम फील हो रहा है अभी मुझे। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बारिश होने वाली है और लाइट भी चलेगी है मेरे ख्याल में। एक सेकंड में लाइट चला के देखूँ, तो यहाँ पर जी लाइट भी मेरी चली गई है। तो भाई दुआ करो आज मैं बर्ड्स के पास ही रहूँगा ठीक है, बार बार आके चेक भी करता रहूँगा कि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो, क्योंकि ये देखिए ऊपर हवा कितनी तेज़ चल रही है, ऊपर से वो उनके जो ऊपर थी वो भी उठ गई है परली साइड, उस साइड से फुल ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, इस वजह से हमने ये ऊपर रखी थी ताकि ना ये गर्मी से बच सकें। तो वो देखें वो उस साइड वाली हवा इतनी तेज़ है कि वो उस साइड चले गई है, अल्लाह खैर करें। बाकी इंशाल्लाह आप भी दुआ करो यार मेरा सेटअप का कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए ठीक है। बारिश आना स्टार्ट हो गई है, बारिश ये देखें आप, बारिश बादल देखें आप। मेरे बर्ड्स ठीक हैं, ओए आज के मौसम में मुझे वो शेर याद आ रहा है, वो कहता है शायर कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं। आगे पता नहीं ये किसका शेर है, ये नहीं मुझे पता, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो भाई जान बारिश स्टार्ट हो गई, हम अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करते हैं। आज वाला व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़। नहाती हुई कितनी खूबसूरत लगती है, इनकी वॉइस भी बड़ी खूबसूरत लगती है, पास से सुनाई देगी आपको, इन्जॉय करें इनकी वॉइस।